नमोनमः बच्चों, क्लास सेवेंथ में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग पुनः ऑनलाइन के माध्यम से संस्कृत भाषा का अध्ययन करेंगे। विगत अप्रैल और मई मंथ में आप सब बच्चों ने संस्कृत भाषा को बहुत रुचिकर पूर्ण से ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ा, सीखा, सहयोग दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी क्रम में हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेंगे। और हम लोगों ने अप्रैल और मई के मंथ में चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तक संस्कृत भाषा या संस्कृत का अध्ययन कर लिया था, चैप्टर नंबर फोर्थ तक। अब जुलाई से हम लोग कंटिन्यू उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और चैप्टर नंबर फिफ्थ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पंचवा पाठ है, पाठ का नाम सुभाषितानी। सुभाषितानी, सुभाषितानी का अर्थ होता है अच्छे वचन, या कि कह सकते हैं हम लोग अच्छी बातें। तो चैप्टर नंबर फिफ्थ में हम सुभाषितानी श्लोकों का अध्ययन करेंगे, अच्छी बातें सीखेंगे। संस्कृत भाषा में हजारों से ऐसे सुभाषितानी श्लोक लिखे हैं जिनको हम पढ़ करके अपने जीवन में या अपने जीवन को परिवर्तन या परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर फिफ्थ में सुभाषितानी श्लोक में पांच श्लोक लिखे हैं, लेकिन उन पांचों श्लोकों का हमारे जीवन से बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। जो हमारे ऋषि थे, ये श्लोक हमारे ऋषियों का रिसर्च है, उनका अनुसंधान है। ये सब अनुसंधान करने के बाद, रिसर्च करने के बाद हमारे ऋषियों ने इनको श्लोक के रूप में परिवर्तित करके हम लोगों के सामने रखा हुआ है कि हम उसको सीखें और अपने जीवन में उन्होंने जो अनुभव किया उनके अनुभव को लेकर के हम लोग आगे बढ़े। तो आइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक निकालेंगे, संस्कृत की बुक है, सभी बच्चों ने परचेज कर लिया होगा और इसमें चैप्टर नंबर फिफ्थ हम लोग पढ़ेंगे। पहला श्लोक आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला श्लोक लिखा हुआ है, देखेंगे सभी बच्चे चैप्टर नंबर फिफ्थ का फर्स्ट श्लोक, पेज नंबर 29, पहला श्लोक। आपातकाले तु संप्राप्ते, जिन बच्चों को प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है साथ में बच्चे उच्चारण करें, आपातकाले तु संप्राप्ते यद मित्रम मित्रमेव तत्। आपातकाले तु संप्राप्ते यद मित्रम मित्रमेव तत्। वृद्धि काले तु संप्राप्ते दुर्जनः अपि सुहृद् भवेत्। एक बार पुनः प्रोनाउंसिएशन सुने, आपातकाले तु संप्राप्ते यद मित्रम मित्रमेव तत्। वृद्धि काले तु संप्राप्ते दुर्जनः अपि सुहृद् भवेत्। हिंदी अर्थ में चलते हैं बुक के माध्यम से। आपातकाले, आपातकाल का अर्थ होता है संकट के समय। आपातकाले लिखा है, लास्ट में ला में एक ही मात्रा है। ऐसे शब्द जिन शब्दों के अंत में एक ही मात्रा हो वह शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप बनता है। आपातकाले का अर्थ क्या होगा? आपातकाल में या संकट के समय, ठीक है ना। तो अर्थात तो संप्राप्ते, जो हमारा साथ दे, बोर्ड पर लिखा है संप्राप्ते। यदि इसमें ग्रामर पूछ लेता है कि संप्राप्ते इति शब्दस्य यदि शब्दे है ना उपसर्गम चित्वा लिखत, तो हम लोग क्या लिखेंगे? संप्राप्ते में उपसर्ग क्या हो जाएगा? सम। तो आपत्ति के समय, संकट के समय जो मित्र हमारा साथ दे, यद मित्रम, जो मित्र हमारा साथ देता है ना, वही हमारा सच्चा मित्र है। पहले लाइन का अर्थ होगा कि संकट के समय या आपत्ति के समय या कि कह सकते हैं मुसीबत के समय जो मित्र हमारा साथ दे वही हमारा सच्चा मित्र है, या उसी को हमें सच्चा मित्र जानना चाहिए। दूसरी लाइन, वृद्धि काले, वृद्धि काले ये भी सप्तमी विभक्ति एक वचन का शब्द है। वृद्धि काल में, वृद्धि काल किसको कहते हैं बच्चों? वृद्धिकाल अर्थात जब व्यक्ति सभी चीजों से संपन्न होता है,
व्यक्ति के पास में जब सभी चीजें सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं वह उसका वृद्धि काल होता है ना। तो इस श्लोक में लिखा है वृद्धि काल है तो संप्राप्ते, जब व्यक्ति के समय जब व्यक्ति के पास वृद्धि काल का समय होता है, जब व्यक्ति सभी चीजों से संपन्न हो जाता है उस समय संप्राप्ते का अर्थात उसके पास सभी चीजें जब होती हैं प्राप्त होती हैं तो दुर्जनाः, दुर्जन अर्थात दुष्टः, ठीक है ना, दुर्जनाः दुष्टः, तो दुष्ट व्यक्ति भी अपि, अपि क्या है अव्यय है, ठीक है, तो अपि का अर्थ होता है भी, तो दुष्ट व्यक्ति भी सुहृद, सुहृद का अर्थ होता है मित्र, जब व्यक्ति संपन्न होता है संपन्नता में जो दुष्ट व्यक्ति है दुष्ट व्यक्ति भी वह मित्र बन जाता है, सुहृद भवेत वह हमारा मित्र बन जाता है। तो इस तरीके से यह श्लोक का हिंदी अर्थ हुआ। एक बार पुनः आप लोग हिंदी अर्थ जान ले कि आपत्ति के समय संकट के समय जो मित्र हमारा साथ दे वही हमारा सच्चा मित्र है, वृद्धि काल में तो जो दुष्ट व्यक्ति है दुष्ट व्यक्ति भी हमारा मित्र बन जाता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर में 5 श्लोक हैं और 5ों के बहुत सुंदर सुंदर से अर्थ हैं। आप सभी बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे इस श्लोक को याद करेंगे, उसका हिंदी अर्थ भी याद करेंगे, क्योंकि यह आपके एग्जाम में यह आएगा, या कि ओरल हो, ओरल के माध्यम से भी आ सकता है, कि रिटन में भी आ सकता है। तो सभी बच्चे श्लोक याद करें, श्लोक के साथ में उसका हिंदी अर्थ भी आप लोग याद करिए। यह जो है आपके गद्यांश के रूप में या आपके पद्यांश के रूप में आपके एग्जाम में आ सकता है, जिसके अंतर्गत एक पद में एक वाक्य में और भाषिक कार्य के क्वेश्चन होंगे। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें और प्रिपेयर करके आगे बढ़ते रहिए, एक एक करके हम जो है वीडियो के माध्यम से श्लोकों का अध्ययन करेंगे।